सिवनी जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम बरकरार है। सब्जी मंडी में ना तो दुकानदारों को पीने का पानी नसीब हो पा रहा है और ना ही मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था। नगर पालिका लगातार स्वच्छ भारत योजना के तहत अभियान के तहत कागजी दस्तावेजों में लाखों रूपए प्रतिमाह खर्च बताती है, जबकि इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी है। और यहाँ के व्यापारियों, किसानों की क्या क्या समस्या है, उन सब मुद्दों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था और अति शीघ्र यहाँ की जो व्यवस्था है सुदृढ़ करने के लिए निवेदन किया। और हमने यह भी बोला था, अगर व्यवस्थाएं सही समय पे नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करे। उसी कड़ी में हम आज यहाँ मुआयना करने आए हैं कि क्या कोई व्यवस्था परिवर्तन है या नहीं है, परंतु यहाँ देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके की व्यवस्थाओं में कोई बदलाव है। जस की तस व्यवस्था है, जनता, व्यापारी, किसान सब परेशान है। तो बहुत जल्दी जो है अब हम अपना अगला कदम उठाएंगे और आम आदमी पार्टी जो है उग्र आंदोलन करेगी। है चौथे तरफ गेट और बाउंड्री लगना था जी, जिसका आश्वासन देने के बाद अभी तक उन्होंने नहीं। और पार्किंग सर की व्यवस्था कहाँ पर करी है? सर की कोई व्यवस्था नहीं है, जो गाड़ी जहाँ है वहीं खड़ी हो जाती है। और सर अभी मंडी में जो इसके अलावा इसके रोड इतने छोटे बनाए गए हैं जी, 16 फीट से लेकर 20 फीट के रोड बनाए गए हैं जी, जिसमें आए दिन जाम लगता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जी, रोडों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। उनका अधिकार है लेने का, अच्छा, पर ये तब तक नहीं ले सकते जब तक ये व्यवस्था करके नहीं। हाँ,